मेरे सब बत्ती बहुत चले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार नीए बट खान दे पंगे जान जा लेते असी बैठे आ बठाया बंदे उठने नहीं देते ओ गैंग साइन हत्था दा फ्लो करदा हत्था दा जिला युद्ध करे जब जे ओ पोड़ वांगू जदा दुद टूकी अंदे लोका पा दिए वे पिके पवे घूमते तो गाइस देखो आज हमारे पास क्या है, ओला S1 भाई, जिस हिसाब से इसका नाम है ना और हाइप बनी पड़ी है उस हिसाब से स्कूटर अब मतलब ओला वालों ने पूरा चेंज कर दिया, आग लगने वगैरह का डर सब कुछ चेंज। इसे वीडियो में मैं आपको अपना रिव्यू दूंगा कि मुझे स्कूटर कैसा लगा, और मतलब जो चीज़ हैं नेगेटिव्स लगेंगे नेगेटिव्स बताऊंगा, पॉजिटिव्स लगेंगे पॉजिटिव्स बताऊंगा भाई। पर जो भाई ने ये करा है ना, ब्लैक कर दिया, स्मोक अलग ही लुक आ रही, देखो है ना, आगे से मिरर्स हटा दिए हैं, उसके बाद भी एक्टिवा वगैरह को हम कंपेयर नहीं कर सकते इससे, क्योंकि इसमें पावर कम होने के बजाय भी ज़्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो पेट्रोल वगैरह से काफ़ी अच्छी चलती है, पैसे बचाएगी, और अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी अभी और अपनी जो भी मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहेगा इसको चलाने के बाद वो मैं आपको शेयर करूंगा। बाकी ये चीज़ ना इसमें काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत से ये आए थे कि ये टूट रहा है बहुत जल्दी, पर अभी तक मैंने चलाया थोड़ा बहुत तो मेरे को लगा नहीं, सिंगल स्विंग आर्म है और ये डुअल डिस्क ब्रेक देता है ओला। बाकी अभी तक भाई ने लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं बताता हूँ ये कैसे खुलेगा, पासवर्ड डालना पड़ता है, पर यार अगर पासवर्ड किसी को पता चल जाए फिर चेंज हो जाता है। चलो बढ़िया, अभी मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ फिर आपको मिलता हूँ फिर। तो भाई ये ऑन होता है यहाँ से, ये देखो अब हमारा ऑन हो चुका है, ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है भाई के फोन से, स्पीकर वाली बात कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब कंपनी S1 में भी स्पीकर्स दे रही है, काफ़ी अच्छी बात है। पहले S1 वाले मिस कर रहे थे क्योंकि उनको 40,000 फालतू देने पड़ रहे थे शायद, हाँ इतना ही फ़र्क है शायद, 40,000 या इसके आसपास ही फालतू देने पड़ रहे थे सिर्फ स्पीकर और थोड़ा सा टॉप स्पीड बढ़ाने के लिए। इसमें ये 95 जाती है प्रॉपर, और वो S1 Pro 115। अब आते हैं इसकी मेन स्क्रीन पे, जो हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती है और काफ़ी सही है, मतलब हमें सब चीज़ बता देती है ये। जैसे मैप हमने सेक्टर 71 का लगा लिया स्टार्ट, तो अब हम चलाते भी रहेंगे तो हमें सब इसी में दिखता रहेगा, फ़ोन वगैरह के हमें देखने की कोई नीड नहीं है। और बाकी अब इसको एंड करते हैं, ये गाने का सिस्टम आ गया वो बताया था मैंने, साउंड सेटिंग डिस्प्ले सेटिंग और ब्लूटूथ ऑडियो वगैरह ये सब यहाँ से हो जाता है। सेटिंग में आए हम, ये आया हमारा 76% चार्ज अभी, और ईको में चलेगा 98, प्रॉपर 98 चलता है, नॉर्मल में 79, स्पोर्ट्स में चलाओगे तो 70 किलोमीटर से ये अभी भी रेंज दे देगा, 80 में यार सही है, 10% का तो वो है। पर आपको मतलब जैसे अभी लोग बोलते हैं कि हम पेट्रोल में 35 का एवरेज निकाल रहे हैं, ये सिर्फ 3 यूनिट्स में चार्ज होता है। अगर आपके यहाँ पे 7 रुपये यूनिट है तो 21 रुपये हो गए, 6 रुपये यूनिट है तो 18 रुपये हो गए, 18 रुपये में आपको ये 100 किलोमीटर भी निकाल दे तो भाई काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे 98 रुपये मान लो पेट्रोल, 98 में हम 35-40 भी निकाल लें तो भी हम सोचते हैं काफ़ी अच्छा कर दिया। अब हमें यहाँ 20 रुपये में 100 किलोमीटर चल रही है तो भाई अलग ही मज़ा है। बाकी लोग देखते भी हैं, इसकी रोड प्रेजेंस ऐसी है, लोग पूछते हैं कि भैया ये कितना चलता है कैसे है, बहुत लोगों की क्वारी होती है कि अगर ये कहीं पे रुक गया या फिर ख़राब हो गया ब्रेक डाउन हो गया तो हम इसे घर कैसे ले जाएंगे वापस, या फिर इसे सही कैसे कराएंगे, क्योंकि इसके सर्विस सेंटर वगैरह तो है नहीं। तो ये रहा भाई, ये है अपना हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करो, 5 से 10 मिनट में कंपनी आपको रिस्पॉन्स दे देगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है,
ये फीचर मतलब बहुत से लोगों की होती है कि यार अगर ख़राब हो गया क्या है, तो ये मैंने बता दिया। बाकी ये देखो सिंगल टच में निकल जाएगा, यहाँ से चार्ज करो और अपना 2800 रुपये में 100 किलोमीटर चलाओ, 21 रुपये। अब इसकी हमारी बारी आती है, ये देखो कुछ टाइम बाद ये लॉक भी हो जाता है। अब बोल रहे हैंडल घुमाओ, लॉक डन। अब इसको कोई नहीं छेड़ सकता, अगर इसको कोई मतलब ऐसे बंद में भी कोई हिलाएगा डुलाएगा तो ये तो पहले तो आवाज़ करने लगेगा। बाकी इसकी लोकेशन फ़ोन पे रहती है ऑल टाइम, उसमें दिखता रहता है कहाँ है क्या कर मतलब कितनी टॉप स्पीड भी गई है वो भी दिखता रहता है। और बता दूँ भाई देखो इसकी बूट स्पेस सामान कहाँ पे रखेंगे, तो पहली बात तो ये खुलता है यहाँ से, ये अपनी अनलॉक हो चुकी है ये देखो। और भाई बता रहा था कि मैंने इसमें ना थोड़ा सामान रखा है, इसको बंद कर देते हैं, बाकी ये आइडिया दे रहा था कि कितना बड़ा है। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में भाई ने क्या बताया। भाई बता रहा था कि यहाँ पे स्पीकर में और बूट में स्क्रीन पे यहाँ पे काफ़ी मतलब धो दिया, पूरा पानी डाल दिया, पर इसमें अभी तक भी 1% भी दिक्कत नहीं आई। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हमारा ख़राब हो गया, मैंने देखी है वीडियो वगैरह, लोग इसको वो कर रहे हैं पेट्रोल डाल के आग लगा रहे हैं। भाई वो जिन पे ज़्यादा पैसा है वो करते हैं, मतलब किसी अच्छी चीज़ को मतलब बदनाम या फिर बर्बाद करने के लिए ऐसे लोग करते हैं। अब हम आ चुके हैं भाई इस पे ओला पे, अब चलाते हैं इसको यहाँ से। पहले मैं बता दूँ मोड्स वगैरह कैसे चेंज होते हैं। ये स्विच देख रहे हो आप, यहाँ पे बिजली सी बन रही है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे, अभी ईको में है, हो जा नॉर्मल स्पोर्ट्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ईको पे, ईको में हमारा है स्कूटर। चलो मतलब थोड़ा सा ये जैसे अभी दो लोग बैठे हैं हम पिलियन के साथ, थोड़ा टाइम लेता है। ये देखो 16, 19, 20, 22, 24 टाइम देखते रहना आप कितने टाइम में जा रही है। बाकी ईको में 40, 45 जाती है। ये अपना ईको का टेस्ट हो गया, मतलब ईको में काफ़ी अच्छा लगा। जैसे बच्चों वगैरह को देनी है या फिर आपके छोटे बच्चे हैं ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी सही है। अभी इसको लगाते हैं हम नॉर्मल पे, नॉर्मल पे देखते हैं कैसी चलेगी। और ये गाड़ी जा रही है, थोड़ा इनको माइंड मत करना। अभी हम यार 2 मिनट वेट कर लेंगे और क्या। नॉर्मल में अपना स्कूटर है यार, हट जाओ यार, क्या बोलते हो चलें। चलो मैंने फुल थ्रॉटल दे दिया, नॉर्मल पे गया भाई ये 50, मतलब 50 से ऊपर जा सकता है। पर हमने मतलब मैं इसको लेके नहीं गया क्योंकि पीछे गाड़ी वगैरह देखी आपने, वैसे भाई बता रहा था 80 जाता है। अब इसकी बारी है स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स एक्टिवेट, यू टर्न लेते हैं। स्पोर्ट्स में इसका इनिशियल काफ़ी अच्छा है, पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी है और ये देखो पीछे पुश करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आगे बताता हूँ। विंड नॉइस आ रही होगी आई नो, बट क्या करें भाई, सहना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ से हम डर लगता है भाई ज़्यादा खींचते हुए क्योंकि अभी अंधेरा भी हो रहा है ना, और अगर कभी टाइम मिलेगा तो लॉन्ग टर्म रिव्यू भाई का लेंगे जिनका स्कूटर है। अभी चलते हैं वापस उसी जगह पे, फिर मैं आपको थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स देता हूँ, देन उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं बताऊँगा लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी आप लोग इसे इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आपने देखा कि स्पीकर क्वालिटी चेक करो अभी फुल, हाँ यहाँ से फुल है। ये देखो स्पीकर इसके दोनों यहाँ पे हैं, ये चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, इससे आप अपना फ़ोन चार्ज। आज तेरी लोग काम देता बेकार यार, स्पीकर बारे में
ਖਾਟਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਪੈਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿੰਦ ਬਾਹਰੇ ਨੀ ਕਬਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਕਬਾਰੇ